देखो इधर कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हमें देखना है। फर्स्ट हमें यहाँ देखना है एच प्लस है सॉल्वेंट में, एच प्लस आएगा फिर आई माइनस आएगा, और कुछ भी नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सी सी एल फोर ही एज्यूम करते हैं, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट टाइप। हम तो यहाँ हमारे पास जब एच प्लस आएगा तो वो कार्बोकेटाइन बनाएगा जो ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये वाला बॉन्ड हमारे पास यहाँ शिफ्ट होगा और कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, और अगले स्टेप्स में आपको आई माइनस आता हुआ दिखाई देगा जो कि इस जगह अटैच हो जाएगा। क्लियर है? अगले इसमें ये एच प्लस यहाँ अटैक करेगा और कुल मिला के आपको यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगले स्टेप में सी एल माइनस अटैच होगा जो कि आपको यहाँ अटैच हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको एच प्लस यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? और जब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो अगले में आपका रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, और ये कार्बोकेटायन आपके पास सपोज यहाँ आ रहा है और ये चीज़ यहाँ बंद हो रही है, तो पास वाले कार्बन पे अल्काइल ग्रुप होगा, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1-2 शिफ्टिंग होगी और कार्बोकेटायन वापस यहाँ आएगा, और उसके अगले स्टेप में सी एल आपको यहाँ दिखाई देगा। बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? नेक्स्ट इसके अंदर एच यहाँ एच प्लस आएगा जहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो, और आपको मालूम है कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ स्टेबल होगा, और फिर उसके बाद सी एल माइनस आएगा जो कि वहीं लगेगा सी एल इस जगह। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? आगे यहाँ एच ओ एच ये रिपल्शन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है अपने आप में, दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। नो रिएक्शंस, कोई रिएक्शन नहीं होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक और एग्जांपल है सुदर्शन चक्र जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप बताइए एच प्लस आया यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो ओ एच भी यहीं अटैच होगा, यहाँ ओ एच अटैच होगा, क्यों? क्योंकि पहले एच प्लस आके कार्बोकेटाइन बनाएगा, फिर एच टू ओ ओ एच देगा और एच निकाल देगा। यहाँ पर एच प्लस आएगा कार्बोकेटाइन आएगा, यहाँ एच टू नहीं है आर ओ एच है, तो आर ओ अटैच हो जाएगा, तो एक तरह से ओ सी टू एच फाइव आएगा। क्लियर करें? यहाँ पर एच प्लस आएगा जो कि यहाँ अटैच होगा, यहाँ पर डी टू ओ अपना ओ डी दे देगा, तो ये अपनी ओडी दे देगा, तो ये ओडी इसके पास आ गई। यहाँ पर डी प्लस यहाँ अटैच होगा और डी यहाँ अटैच होगा, तो ये डी आ गया और ये इसका ओ एच इस तरफ देगा। यहाँ आपके पास डी प्लस आएगा इस जगह और यहाँ ओडी आएगा। क्लियर है? यहाँ आपके पास पहले डी आएगा इस जगह और फिर सी टू एच फाइव ओ एच ओ सी टू एच फाइव दे देगा। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लिखें सबको, कोई डाउट किसी को पूछना है इसमें?